ये मुर्गी कुटारी और यहाँ पर चावल भी दिए हुए हैं, देखिए चैनल ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आप सब कैसे हैं, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग रात में मतलब 3 बजे के उठे हुए हैं और अभी मैं तैयार हो गई हूँ और काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो अभी मैं निकलती हूँ और रास्ते में बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए, सभी तैयार होकर ना गाड़ी के पास पहुँच गए हैं, तो हम ही लोग लेट कर रहे हैं। तो अभी मैं चलती हूँ, सीधे रास्ते में मिलती हूँ और बताऊँगी आप सभी को। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं घर से और कहाँ जा रहे हैं आप सभी को बताती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं आज रामगढ़, और रामगढ़ हम लोग मतलब अभी नवरात्र के बाद क्यों जा रहे हैं वो आप सभी को बताती हूँ, क्योंकि नवरात्र में हम लोग यहाँ नहीं जा पाए थे और उसके बाद अभी हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि जो आशा है ना वो उनके यहाँ मतलब हमारे में ऐसा है ना कि 2 बच्चे हो जाते हैं ना उसके बाद भगवान जी का दर्शन करने जाते हैं हमारे यहाँ रामगढ़ में, बच्चे दोनों बच्चों को लेके ना पूजा किया जाता है वहाँ मंदिर में जाके और दर्शन किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा है, शादी हमारे यहाँ ऐसा है कि शादी हुआ और उसके बाद जाते हैं, शादी के बाद जाते हैं दर्शन के लिए और उसके बाद 2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जाते हैं दर्शन के लिए। तो आशा लोग के 2 बच्चे हो गए हैं, तो उसकी हो गए हैं, तो इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं आज रामगढ़ सभी। और आगे गाड़ी जा रही है, देखिए आप सभी को दिखाती हूँ, और पीछे बच्चे बैठे हुए, हेलो बोल दो, हेलो सभी बोलो हेलो। और बच्चे पूरे चिल्लर पार्टी है पीछे बच्चे लोग, और आगे है एक गाड़ी और 3 गाड़ी जा रहे हैं हम लोग, 3 गाड़ी गाड़ी से हम लोग आगे निकल गए। हाँ। और आज का मौसम मतलब बादल बादल सा है, ठंडा ठंडा है, और 3 बजे के उठे हुए हैं और अभी कितना टाइम हो गया होगा, 5 बज गया ना, 5:30 हो गया है, निकल गए हैं घर से। तो और बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप सभी को, चलिए। और वहाँ हमारे में ना पूजा पाठ मतलब क्या क्या करते हैं कैसे करते हैं वो आप सभी को मैं दिखाऊंगी, तो इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो जो नए देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो मिलती हूँ, चलिए, और रास्ते में देखते हैं कहाँ कहाँ रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, तो या सीधे मंदिर जाते हैं, तो अभी मेरे को तो तक पता नहीं है, पर चलिए चलते हैं और आप सभी को दिखाऊंगी जैसा भी है। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, और कैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है क्या क्या करते हैं आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी दिखाऊँगी। तो अभी चलिए चलते हैं और बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप सभी को। तो आगे देखिए एक गाड़ी जा रही है, तो जस्ट पीछे है छोटी लोग का गाड़ी है वो, और पीछे एक गाड़ी और आ रही है जिसमें पूरे जेंट्स बैठे हुए हैं, पूरे जेंट लोग बैठे हुए हैं और देवर लोग, और इसमें आशा लोग बैठे हुए हैं। और बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सुबह सुबह का समय है, देखिए बादल कितना प्यारा लग रहा है ना। हम लोग रास्ते में भी रुक गए हैं, खमरिया के पास पहुंचे हैं, खमरिया गांव ना, खमरिया गांव पहुंचे हुए हैं, खमहरिया गांव हम लोग पहुंचे हुए हैं, रास्ते में हैं, अभी रुके हुए हैं थोड़ा सा रेस्ट। रामगढ़ यात्रा, और आज का मौसम पूरा एकदम बादल बादल, इधर चाचा और सभी आए हैं घर से एक एक करके और उधर देखिए शिव, अरे देखिए इसी का जा रहे हैं, ये है लड्डू गोपाल, गोलू मोलू। तो इन दोनों का ही पूजा हो रहा है ना, ये देखिए छोटा वाला बाबू, इन दोनों का ही पूजा होगा, उसी के पूजा के लिए जा रहे हैं।
और ये है दीवांश, और ये है गोला, गोला जी, गोला जी, गोला मूला। और उधर और पीछे एक गाड़ी और है ना, वो थोड़ा सा शायद चक्का खराब हो गया है ना, चक्का खराब हो गया है तो इसकी वजह से भी रुके हैं यहाँ पर, वेट कर रहे हैं, रुक लेते हैं, मतलब गाड़ी है तो साथ में ही चलेंगे करके। और उधर और मम्मी लोग, आशा, छोटी, सभी हैं। मतलब तू ही उल्टी कर रही थी ना, अच्छा इसी को उल्टी हो रहा था। मेरा भी हालत बैठ रहा गाड़ी में बैठने से, खाली पेट में कमरिया पेट्रोल टंकी ठहर गई है। कमरिया पेट्रोल टंकी रुके हैं। कमरिया अब कितना दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर और बच गया है। हम लोग के घर से कितना दूर पड़ता है ये रामगढ़? 20-30-40 किलोमीटर ना, कि ज्यादा ही होता है? कितना किलोमीटर पड़ता है हम लोग आए घर से वहाँ से? 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आ गए और 20 किलोमीटर बचा हुआ है जाने के लिए, और रास्ते में ही हालत खराब हो रहा है धीरे से। और वहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होता है देखते हैं। और गाड़ी में बैठने से ना थोड़ा सा खाली पेट भी हो गया है, जैसे हम लोग नहाए और उसके बाद तैयार हुए हैं और इधर ही निकल गए हैं, और पेट भी खाली पेट हो गया है ना, उसकी वजह से भी अजीब अजीब लग रहा है मतलब पेट में मेरे तो। और मैं कैसे देखती हूँ, चढ़ पाती हूँ नहीं पाती हूँ जाने से पता चलेगा। और देखिए इधर का बादल कितना प्यारा लग रहा है, इसमें दिख नहीं रहा अच्छे से पर बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। तो अभी हम लोग वेट करते हैं और कुछ टाइम में मिलती हूँ। तो इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पर देखिए नाका लगा हुआ है, तो यहाँ पर टिकट काटते हैं, तो यहाँ पर टिकट कटा लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हम लोग रामगढ़ पहुँच गए हैं, हम लोग प्रवेश कर लिए हैं, और देखिए यहाँ दुकान लगा हुआ है रास्ते रास्ते में इस तरीके से। तो हम लोग घाट चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, तो यहाँ से घाट मतलब रामगढ़ के लिए घाट चढ़ रहे हैं। अभी ये रोड बन रहा है ना, गिट्टी वगैरह डाले हैं अच्छे से, मतलब पूरी तरह से सीमेंट, मतलब वो सीमेंट बोल रही हूँ, क्या कहते हैं, डामर वाला बना नहीं है। बजरंग बली, जय बजरंग बली की जय। और इधर भगवान जी, और इधर खाई। और देखिए बहुत कोई मंदिर जा रहे हैं, तो पैदल भी जा रहे हैं। देखिए काफी घाट चढ़ेंगे अभी लोग, बहुत लंबा नीचे से ही घाट चढ़ के आ रहे हैं। नहीं देखिए श्रद्धा है जिसका, वो पैदल भी आ रहे हैं और गाड़ी सुविधा के हिसाब से भी आ रहे हैं जिनके पास। और देखिए घाट से नीचे भी आ रहे हैं। रामगढ़ का पहाड़ हम लोग पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा और बच गया और उसके बाद पहुंच जाएंगे, फिर सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं, बस इधर देखिए तो नारियल लेने गए हुए हैं हम लोग यहाँ अभी, नारियल ले। अब अच्छा हाँ हाँ, कितना सीढ़ी है रामगढ़ में? और ये बड़े पापा हमें प्रणाम भी अभी गिन लीजिएगा, गिनेंगे अभी। नहीं कितना सीढ़ी है, नहीं गिनने में बहुत वो लग गया है। कितना सीढ़ी है? 300 कितना पता नहीं, कितना गाड़ी खड़ा करो तो अच्छा लिखा है, 400 से ऊपर है ना। और अभी बताइए ना कि कैसे कैसे पूजा है, कहाँ कहाँ है, तो बड़े पापा बताएंगे तो आप सभी को पूजा पाठ कैसे करते हैं हमारे यहाँ वो। और उधर चले गए हैं अभी वो, और अभी हमारे यहाँ गए हैं नारियल लेने के लिए,
नारियल वगैरह ले आएंगे तो फिर ऊपर चढ़ेंगे, और हम लोग को बहुत ही ऊपर चढ़ना है, बहुत ही ऊपर। तो आप सभी को दिखाते हैं, चलिए। और वो देखिए, वो जो ऊपर दिख रहा है चट्टान, वहाँ हम लोग को चढ़ना है सबसे ऊपर, और यहाँ से हम लोग नीचे हैं अभी, और ये चट्टान हम लोग को जो चढ़ना है, और उधर सीढ़ी है, अभी आगे जाएंगे तो सीढ़ी मिलेगा, तो हम लोग को तो ऊपर चढ़ना है। हम लोग ना नारियल ले लिए हैं, और उसके बाद अभी आगे बढ़ गए हैं, और फिर से आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर फिर से जहाँ पर सीढ़ी है वहाँ पर फिर से नारियल वगैरह का दुकान लगा हुआ है छोटा छोटा। अब सीढ़ी के पास पहुँच गए हैं, तो हम लोग चप्पल वगैरह निकाल लिए, और उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ से हम लोग ऊपर होते हुए उधर सीढ़ी हम लोग को मिलेगा, और सबसे ऊपर चढ़ना है हम लोग को, और यहाँ पे छोटा छोटा दुकान लगा हुआ है। ये सभी यहाँ पर खड़े हैं, अभी जाएंगे छोटे। तो यहाँ से हम लोग चढ़ना स्टार्ट किए हैं, सभी चढ़ रहे हैं। तो यहाँ से प्रणाम कर लेती हूँ, ये जय। तो सभी आगे चल रहे हैं, और उसके बाद हम लोग भी। कहाँ है मुर्गी गुड़ारी? हाँ, अच्छा मैं देख लेती हूँ। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा सीढ़ी चढ़े हैं, तो ये मुर्गी गुड़ारी, इसको मैं कभी नहीं देखी थी लेकिन। तो जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़े हैं थोड़ा सा सीढ़ी, और ये है मुर्गी गुड़ारी। तो यहाँ पर देखिए मुर्गी रहते थे, तो ये है मुर्गी गुड़ारी, और यहाँ पर चावल भी दिए हुए हैं देखिए। ये पत्थर के अंदर इस तरीके से हॉल बना हुआ है, और यहाँ पर को मुर्गी गुंडारी बोलते हैं ये। तो देखिए मुर्गी गुंडारी, और अभी आगे चलते हैं, सभी चढ़ रहे हैं ऊपर। तो हम लोग ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं सीढ़ी में, और मैं 10 सीढ़ी मेरे को लगता है चढ़ी होंगी, और मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ। और अभी तो स्टार्टिंग है चढ़ना, तीन सौ चार सौ सीढ़ी ऊपर चढ़ना है अभी। कितने सीढ़ी हैं वो भी पता नहीं चला, 300 से ज़्यादा है यहाँ सीढ़ी, और मैं 10 सीढ़ी चढ़ के थक गई हूँ। अब पीछे आ रहे हैं सभी, मैं तो नहीं सकूँ दी। अरे मैं तो थोड़ा ही सा, मैं थक गई हूँ बहुत, चढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरे को चक्कर आ रहा है, थर थर ही मार रहा है एकदम पैर में ना, सही में। किचन इधर, हाँ हाँ हाँ। तो देखिए सभी आ रहे हैं, दिख रहे हैं। हाँ, आशा लोग वो ऊपर चढ़ गए हैं, ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं, और हम लोग पीछे हैं अभी। बस थोड़ा ही सीढ़ी चढ़े, और उसके बाद यहाँ पर भगवान जी का दर्शन, फिर आगे और बढ़ते हैं। तो चलिए, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और आगे सभी चले गए हैं, मैं सबसे लास्ट में, मैं पीछे नहीं आ रहे हैं। और अभी सही पसीना छूटने लगा है, क्योंकि मैं चढ़ ही नहीं पा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेन गेट है, मेन गेट है यही ना,
नहीं मतलब यहाँ से तो इंटर मतलब सीढ़ी के बीच में ये गेट पड़ता है। हाँ सीढ़ी के बीच में ये गेट पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और थोड़ा और सीढ़ी बचाए हैं। और यहाँ पर देखिए मंकी बैठा हुआ है, चलते हैं। हनुमान जी ना, तो देखिए सीढ़ी के बीच में गेट पड़ा है और यहाँ पर कौन से भगवान जी हैं? देवगुण गुरु। प्रणाम कर लेते हैं, जय देवगुण गुरु की। तो यहाँ पर बीच में भगवान जी का दर्शन और पंडा जी, और उसके बाद ऊपर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बैठने के लिए इस तरीके से बना हुआ है। अरे नारियल किसका ले लिया, छीन लिया है नारियल। और यहाँ पर देखें इस तरीके से लोग थक जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैठने के लिए बना दिया गया है इस तरीके से झाला जैसे। और यहाँ से व्यू जो देखने के लिए मिलता था ना बहुत अच्छा, पर अभी यहाँ पर कुछ छेक दिए हैं। और ये देखें यहाँ से व्यू नीचे का बहुत ही सुंदर, रियल में देखने में ना अलग ही है, अलग ही मतलब देखने से इसका अनुभव अलग ही है। और वीडियो में आप सभी को दिखा रही हूँ, आप लोग भी देखिए। और रियल में बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से, और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो भी ऊपर चलते हैं। चलिए चलिए हम लोग फिर सीढ़ी के लिए ऊपर, और बहुत ही सीढ़ी ना बहुत ज़्यादा सीधा है, इसकी वजह से थकान भी बहुत लग रहा है। बहुत ज़्यादा सीढ़ी है यहाँ, और जो थकान मतलब बता नहीं सकते, इतना थकान लग रहा है, पैर ना लड़खड़ा रहा है। मैं थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, छोटी ही रुक गया। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ और खाई, और काफ़ी लंबा सीढ़ी। तो वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी ना, ज़रूर लाइक कीजिएगा। और वीडियो में नए होंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थोड़ा सा कुछ सीढ़ी और बचाए हैं, उसके बाद ऊपर पहुंच जाएंगे। दिखा लोग इधर से आ रहे हैं, और ये ऊपर ये बड़ा चट्टान पत्थरों का, और उधर देखिए छोटी चहाड़ी है ऊपर में, और मैं ही लास्ट में पीछे हूँ। और अभी थोड़ा सा और चढ़ना पड़ेगा, और इतने दूर चढ़ गए हैं तो और कुछ थोड़ा बहुत सीढ़ी और उसके बाद भगवान जी का दर्शन करेंगे। तो अभी चलती हूँ ऊपर, और व्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा। तो यहाँ से देखिए एक बार यहाँ का रामगढ़ के पहाड़ से, आधे मतलब आधे पहाड़ से यहाँ का नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर। और यहाँ से जो दिख रहा है आप सभी को, नीचे गाड़ी खड़ा है, और यहाँ पर नारियल वाला दुकान जो है जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, वहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं, ऊपर चढ़े हैं। और उसके बाद इधर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर, यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर, रियल में वो देखने में बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ से जो हवा चल रहा है ना ठंडा ठंडा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, और उसके बाद इधर सीढ़ी चढ़ने को और है, और सीढ़ी के पास आधा दूर में फिर से बैठ गए हैं, इधर ये भी बैठे हुए हैं, और मैं भी, बाकी सभी ऊपर चले गए हैं। दिल का धड़कन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि बता नहीं सकते।
देखिए सभी भगवान जी का दर्शन करने के लिए सभी धीरे धीरे करके जा रहे हैं। हम लोग भी पीछे रह गए हैं, थोड़ा सा बैठेंगे उसके बाद फिर से चलेंगे ऊपर। और गर्मी जो लग रहा है ना, इतना ऊपर में इतना सुंदर हवा चल रहा है फिर भी गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है ना चलने की वजह से, मतलब सीढ़ी चढ़ने की वजह से, मतलब बता नहीं सकते। और भगवान जी का भी दर्शन करेंगे, सब थकान दूर हो जाएगा। अब इतने दूर आए हैं तो भगवान जी का दर्शन करेंगे तभी अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं, तो चलते हैं, पूजा भी स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी को हमारे यहाँ पूजा करेंगे, उसका भी तो आप सभी को दिखाना है ना मेरे को। और व्यू ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर नज़ारा, धुंधला धुंधला हर नीचे में ही, घर नीचे देखो तो हर चीज़ धुंधला धुंधला, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। और आगे चलते हैं, तो वो उधर पीछे बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि चलते रहो और उसके बाद मैं पीछे से आऊँगा। और मैं अभी चल रही हूँ क्योंकि पूजा भी स्टार्ट हो जाएगा ना, पहले से ही सभी पहुँच गए हैं, हम लोग ही पीछे हैं। तो अभी थोड़ा सा मतलब बराबर टाइप सा सीढ़ी मिला है, जो घाट था वो चढ़ लिए हैं, बस थोड़ा सा और उसके बाद पहुंच जाएंगे। यहाँ का व्यू, और रामगढ़ में ना टोटल 631 सीढ़ियाँ हैं जो सीमेंट से बनी है और आधी है पत्थर वाली। हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है मंदिर में दर्शन के लिए भगवान जी का। तो देखिए सभी लाइन लगा लिए हैं दर्शन के लिए भगवान जी का। तो ये देखिए, तो अभी हम लोग ना मंदिर पहुंच गए हैं और ये है रामगढ़ का मेन मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर। राम भगवान जी, माता सीता जी, लक्ष्मण भगवान जी और हनुमान भगवान जी का अंदर में मूर्ति स्थापित है, वो आप सभी को मैं कुछ टाइम में दिखाऊंगी। और ये है मंदिर के चारों साइड का, आप सभी को दिखा दूँ तो चारों साइड इस तरीके से देखिए, सभी साइड मूर्ति स्थापित है। और यहाँ पर देखिए ये है महामाया मंदिर, और अभी यहाँ पर मैं लाइन लगाई हूँ दर्शन करने के लिए भगवान जी का। थोड़ा बहुत ही भीड़ था तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड को मैं बुला दे रही हूँ पूजा करने के लिए, और अभी आप सभी को ना कुछ टाइम में भगवान जी का दर्शन भी कराऊंगी। तो इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो में जो नए हैं, जो नए देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं बस लाइन में हूँ और भगवान जी का आप सभी को दर्शन कराऊँगी। और भगवान जी यहाँ पर देखिए, भगवान जी का इस जंगल में कहते हैं मतलब 14 साल के वनवास के लिए ना भगवान जी इसी जंगल में मतलब आके अपना जीवन यापन किए थे। तो यहाँ पर देखिए अभी भगवान जी का दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ी हूँ, तो आप सब ना रियल वॉइस का मतलब वॉइस से ही भगवान जी का दर्शन कीजिएगा, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, बीच बीच में जो भी है वो आप सभी को बताती रहूँगी। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और आप लोग भगवान जी का चलिए दर्शन कीजिएगा। और यहाँ पर कुछ टाइम बाद ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम दोनों साथ में पूजा करेंगे। और यहाँ पर देखिए भगवान जी का आप सभी ना दर्शन कर लीजिए, और हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम बाद पूजा करेंगे। अभी आशा लोग कर रहे हैं और उसके बाद आशा लोग का पूजा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो अंदर में पंडा बैठे हुए हैं तो वही आशा लोग का पूजा करवा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से पूजा होता है अंदर में, और उसके बाद हम लोग भी करेंगे इनके बाद। तो हम लोग ना भगवान जी का दर्शन कर लिए हैं, पूजा कर लिए हैं और उसके बाद बाहर निकल गए थे। तो देखिए मंदिर के चारों साइड इस तरीके से मूर्ति स्थापित है तो भगवान जी का। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे ना पूजा कर रहे हैं और साथ में मैं भी दर्शन कर ले रही हूँ, और आप सभी को भी वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रही हूँ, तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। तो ये है देखिए मंदिर के बाहर आप सभी को इस तरीके से ना बहुत ही पुरानी मूर्ति देखने को मिलेंगी चारों साइड से। और यहाँ पर देखिए बाबा जी बैठे हुए हैं शिवलिंग के पास, जो नारियल फोड़ रहे थे।
तो हम लोग भगवान जी का दर्शन कर लिए हैं और देखिए काफ़ी भीड़ भी लग गई थी, लोगों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है भगवान जी का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग दर्शन कर लिए हैं। कौन मांगी? मेरा बिंदी झड़ गया। नहीं नहीं झड़ी है, चंदन लगा। अच्छा, देखिए मंदिर भगवान जी का दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। हम लोग दर्शन कर लिए भगवान जी का और इधर हम साइड में आ गए हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए। इधर भी और इधर दीदी भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं। और उसके बाद ना हम लोग माँ महामाया जी का दर्शन करने के लिए आ गए हैं। तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए सुंदर माता से। आज बाल गोपाल देखा या शरण गिरा तह आज जा, यही अजर नाम बजर नाम आज जा, खड़ा रहे आज जैसे आज जा। अन खुटे अन बढ़े बन खुटे बन बढ़े माटी सो असोन फूले आज सोन का मिर्गा बोले आ जा, दुबी का बिसारा आ जा, गुण माँ विद्या माँ आ जा, बालक आगे बढ़े आ जा। अन खुटे अन बढ़े बन खुटे बन बढ़े माटी सो असोन फूले, जो हर हरी खरखरी आ जो काटा खुटी आ जा, सब लया छान कर आया दूध का दूध आज पानी का पानी आ, जैसे घर खड़ा वैसे आ जो, आ जैसे दुआ आशीर्वाद खड़ा रहे आ जा, वो दिन का जा जा आ जा, अजर नाम बजर नाम आ जा, रक्षा कर आ जा, शक्ति मान आ जा, खिलान हो भगवती चित आइए तो सपोर्ट दी है जा। एक फल कर से फला सदा या जो, अन में धन में बल में बचा मा या जा, यही आज दुआ यही अंकारी बात या जा, भगवती आ जा, रक्षा कर आ जा माता दाई। किधर बुला रही छोटी? अच्छा, बूढ़ा देव का बना हुआ भगवान जी का ना। जय बूढ़ा देव। जय बूढ़ा देव। हाँ, ये जो स्थापित करी है हमारे बूढ़ा देव विराजमान हैं, तेरा आशीर्वाद बनाए रखें सब। तो ये रास्ता जाता है उधर नीचे पानी के लिए, सबसे नीचे मतलब थोड़ा नीचे जाना पड़ता है इधर पानी के लिए, और इधर एक रास्ता गया है, इधर तो नहीं पता है, पर इधर जाते हैं पानी के लिए, पानी लेने के लिए, और उसके बाद इधर मंदिर आ जाओ। चलो, और यहाँ पे पहले यहीं कहीं पे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर पानी मिलेगा, यहाँ पे कुंड टाइप से बना हुआ था, तो यहाँ पर देखिए पानी, पहले साफ पानी था, अभी तो गंदा हो गया है, तो इस तरीके से कुंड बना हुआ, यहाँ पानी ठहरा हुआ मतलब है, तो पानी पूजा करने के लिए यूज़ किया जाता था उसका। तो सभी दर्शन कर लिए और इधर देखिए केला खा रहे हैं, क्योंकि टीका नहीं 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 ठीक है, मतलब लगा तो हम लोग को भगवान जी का दर्शन के लग गया, अंदर पंडा जी लगा दिए, और सभी दर्शन करके इधर खा रहे हैं कुछ न कुछ, क्योंकि सभी खाली पेट आए हुए थे, मतलब कुछ पानी भी नहीं पिए थे, दर्शन करके ही मतलब खाएंगे, मतलब खाना था दर्शन करके ही भगवान जी श्रद्धा के हिसाब से, तो सभी खाली पेट आए थे और सभी अभी पानी और केला वगैरह फल फ्रूट खा रहे हैं, और
और इधर देखिए पूजा वाला सामान 20 रुपया ये कड़ा को ले लेते हैं। तो चाची कड़ा देख रही है और इधर पूजा वाले पूरे इधर चूड़ी और दिया वगैरह है, अगरबत्ती रखने के लिए सिंदूर वगैरह और ऊपर में ये माला। क्या ले रहे हो छोटी? यहाँ पर देख रही है और इधर मामी कितना तो अब नीचे चलते हैं, नीचे भी और मतलब पूजा करना है नीचे भी। अभी भगवान जी का दर्शन हो गया है, पूजा वगैरह कर लिए हैं, तो अभी चलते हैं। सभी आधे नीचे चले गए और कुछ थोड़े बहुत बचे हम लोग, तो अभी चलते हैं नीचे। अच्छा यहीं पे चना का स्मेल आ रहा था ना, तभी मैं सोच रही हूँ क्या। हाँ सेंधा नमक का आ रहा है ना चना। अभी पूजा तो करेंगे ना, चना भी खाएंगे वहाँ नीचे, फल को दर्शन करेंगे, हम खा सकते हैं। तू नहीं खाएगी? अच्छा आप बनवा के ले जाइए ना, ले जाइए। भगवान जी का हम लोग दर्शन कर लिए थे, उसके बाद आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा छोटा इस तरीके से खाने का दुकान लगा हुआ है, खीरा चना तरबूज और भी खाने की चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग चना बनवा रहे हैं, खीरा ले लिए हैं, तरबूज ले लिए हैं रास्ते में खाने के लिए। और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं एंड करूँगी। वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो आप सभी को सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा यहाँ से आगे का। और इसके बाद हम लोग सबसे नीचे जाएंगे तो झगरा कांड देवता है, वहाँ पर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और उसके बाद जाएंगे सीता बेंगरा और हथफोड़ गुफा। तो ये सब का व्लॉग आप सभी को देखने को मिलेगा और वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है सेकेंड पार्ट और उससे आगे का व्लॉग वीडियो, तो देखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही आज का व्लॉग मैं एंड करूँगी, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब।